अगर आपकी स्ट्रेटजी एरर में चली जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो? जब भी आपकी स्ट्रेटजी एरर में जाएगी उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके मेल पे एंड टेलीग्राम अकाउंट पर आ जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू एल्गो टेस्ट यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपकी स्ट्रेटजी एरर में चली जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। बट सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कैसे आप अपना टेलीग्राम आईडी और अपना ईमेल अकाउंट एल्गोटेस्ट में वेरीफाई कर सकते हो, जिससे कि अगर आपकी स्ट्रेटजी कभी एरर में जाती है तो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके मेल और टेलीग्राम अकाउंट पर आ जाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डैशबोर्ड में जाएंगे, फिर प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपने अपना मेल आईडी और टेलीग्राम आईडी वेरीफाई कर लेना है, जिससे जब भी आपकी स्ट्रेटजी एरर में जाएगी उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके मेल पे एंड टेलीग्राम अकाउंट पर आ जाएगा। नाउ एज्यूम कि आपने अपना मेल आईडी एंड टेलीग्राम आईडी वेरीफाई कर लिया है और आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपकी स्ट्रेटजी एरर में चली गई है। सो अभी हम सीखेंगे कि उस स्ट्रेटजी जो एरर में गई है उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो। सो गाइज, आपके स्ट्रेटजी के एरर में जाने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। आज हम यहाँ पर दो केस डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट केस सिनेरियो रहने वाला है अगर जो एरर है उसका रीजन मार्जिन इशू है। सेकंड केस रहने वाला है मार्जिन एरर को छोड़ के, मार्जिन इशू को छोड़ के और कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से एरर आया हो तो उस केस में कैसे हैंडल करना है। सो सबसे पहले हम मार्जिन इशू के केस में डिस्कस करते हैं। सो आप जब लाइव ट्रेड पेज पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप लाइव ट्रेड पेज पे जाओगे यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी शो कर देगी डिप्लॉयड स्ट्रेटजीज के अंडर। सो यहाँ पर आपकी जो भी स्ट्रेटजी एरर में होगी उसके आगे यहाँ पर आपको एरर बटन शो कर देगा, आपने उस एरर बटन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी क्लोज लैग और जो भी पोजिशन होगी वो शो कर देगी। नीचे यहाँ पर मैसेज बॉक्स के अंडर आपको रीजन बता दिया जाएगा कि ये एरर किस रीजन से है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एरर है मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से। तो इन केस ऑफ मार्जिन एरर क्या होता है, हमारा सिस्टम आपकी स्ट्रेटजी की जो भी पोजीशन होती है उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो मेरी पोजीशन थी निफ्टी वाली, सो यहाँ पर पोजीशंस में स्क्वायर ऑफ हो चुकी है और ऑर्डर्स में भी कोई भी पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है। सो स्टिल आपने क्या करना है, अगर मार्जिन एरर की वजह से आपकी स्ट्रेटजी एरर में चली जाती है तो आपने ब्रोकर टर्मिनल पे देख लेना है पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है, यहाँ पे ऑर्डर्स में पेंडिंग ऑर्डर्स में भी देख लेना है कोई ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं है, ये आपने चेक कर लेना है। सो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं एरर की सेकंड केस सिनेरियो के बारे में कि अगर जो आपका एरर का रीजन है वो मार्जिन इशू को छोड़ के कोई सा भी दूसरा रीजन हो तो उस केस में आपने अपनी स्ट्रेटजी को कैसे हैंडल करना है। सो हम यहाँ पर लाइव ट्रेड में जाते हैं और यहाँ पर हम एरर बटन पे क्लिक करके एरर का रीजन देखेंगे। सो मैसेज बॉक्स में यहाँ पे आपको रीजन दिखा दिया कि जो स्ट्रेटजी आपकी एरर में गई है उसका रीजन क्या है। सो यहाँ पर रीजन है सेशन एक्सपायर्ड। सो सेशन एक्सपायर्ड की जगह कोई सा भी दूसरा रीजन भी हो सकता है। सो इन केस मार्जिन इशू को छोड़ के कोई सा भी दूसरा रीजन हो उसमें एल्गो आपकी स्ट्रेटजी से डिसकनेक्ट हो जाती है। सो उस केस में जो भी आपकी स्ट्रेटजी की पोजीशंस रहती है, जो भी आपकी उसके स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर रहते हैं या पेंडिंग लिमिट ऑर्डर रहते हैं वो आपको मैन्युअली ब्रोकर एंड पे हैंडल करने होते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो हमारी जो रनिंग लैग है ये वाली है 22850 CE। सो हमें हमारे ब्रोकर टर्मिनल पे जाएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 22850 CE जो निफ्टी की है वो अभी भी रनिंग पे है, ये एग्जिट नहीं हुई है। सो हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट कर देंगे। वो आप पर डिपेंड करता है, आप उसको स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो तो उसको स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो या उसको मैन्युअली मैनेज करना चाहते हो तो मैन्युअली भी कर सकते हो। और एक चीज मेन कि आपने ऑर्डर्स में देख लेना है, आपने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स जो भी हो उसको भी आपने एग्जिट कर लेना है या मैन्युअली मैनेज करना है उसको। सो गाइस मेन पॉइंट इज कि अगर आपकी स्ट्रेटजी का एरर का जो रीजन है वो मार्जिन एरर को छोड़ के कोई सा भी दूसरा रीजन हो तो आपको ब्रोकर एंड पे जो पोजीशन रहेगी उसको मैन्युअली हैंडल करना पड़ेगा। सो आपने पोजीशंस और ऑर्डर्स में चेक करके उसको मैन्युअली मैनेज करना है। सो गाइस नाउ जैसे कि आपकी स्ट्रेटजी एरर में चली गई उसके बाद आपने उसको मैन्युअली मैनेज कर लिया ब्रोकर एंड पे। सो नाउ अभी आप ये जानना चाहते हो कि उस एरर का रीजन क्या है एंड उसका सॉल्यूशन क्या है कि दोबारा अगर आप उस स्ट्रेटजी को एक्टिवेट करते हो तो वो एरर दोबारा ना आए। सो उसके लिए आपने क्या करना है, लाइव ट्रेड पेज पे जाना है और यहाँ पर आपने एरर बटन पे क्लिक करना है और आपने इस जो एरर वाला मैसेज है
इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड यहाँ पर जो वेबसाइट का यूआरएल है इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट बटन पे क्लिक करके भी ले सकते हो। सो आपने क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम पे एक एग्जीक्यूशन हेल्पलाइन ग्रुप है, आपने वहां पे ये स्क्रीनशॉट, ये वेबसाइट यूआरएल और ब्रोकर नेम के साथ इसको सेंड कर देना है। उसके बाद जो भी इसका फर्दर अपडेट रहेगा एंड फर्दर सॉल्यूशन रहेगा वो आपको एडमिन के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। सो गाइस होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।